Hello students, the experiment is to plot the calibration curve of a given thermocouple copper concentration using potentiometer. So let us have a look at the apparatus. This is the battery eliminator, the resistance box, the potentiometer, and it is having the wire of length approximately 1000 cm. Okay, 10 wires hain. Each wire is of length 100 cm, so total length ho gayi 1000 cm. Okay. इसमें इसके दो एंड हैं ये वाले, और यहाँ पे एक हमारे पास है ये थर्मोकपल. दिस इज़ कॉपर कॉन्स्टेंटन थर्मोकपल. तो इसके एक ये एंड है, ठीक है, और एक ही दूसरा एंड है. इसमें ये जो ये वाला जिसमें थर्मोमीटर लगा है, इसको हमने ऑयल में डिप करना है और ऑयल को हीट करना है विद द हेल्प ऑफ हीटर, और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 370 डिग्री तक लेके जाना है. और ये जो दूसरा जंक्शन है, इस जंक्शन को हमने आइस में डिप कर देना है ताकि दोनों जंक्शंस का टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाए. ठीक है, फिर उसके बाद इसके कनेक्शंस देख लेते हैं. देखो कनेक्शंस कैसे लगाने हैं. जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो हमें रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड से लगाना है, और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा एंड है वो हमें जो पोटेंशियोमीटर के इस एंड पे लगाना है. ठीक है, तो अगर आप बुक में देखो तो देखो हमने क्या लगाया है. ये बैटरी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा एंड हमने पोटेंशियोमीटर के एंड पे लगा दिया, ये लास्ट बी पॉइंट जो है. ठीक है, फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने पोटेंशियोमीटर के स्टार्टिंग पॉइंट पर लगाना है. ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसी पॉइंट से एक वायर हमें लगानी है थर्मोकपल के साथ. ठीक है, ये वाली वायर जो है ये थर्मोकपल के साथ हमने यहाँ से लगा दिया. इसको लगाने के बाद कौन सा कनेक्शन बचा है, जो हमारा कोल्ड जंक्शन है. जो कोल्ड जंक्शन का दूसरा एंड है उसको आपने लगाना है गैल्वेनोमीटर के साथ. गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड आपने लगाना है जॉकी के साथ. ठीक है, ये जॉकी को आपने यूज़ करना है टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट. ठीक है, वहाँ से हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे. और जब आपके कनेक्शन हो जाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बार यहाँ पे रखेंगे अपना जॉकी, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखेंगे. ठीक है, फिर आपने अपना जॉकी यहाँ पे रखना है दूसरे एंड पे एट एंड बी, एंड अगेन चेक द डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन अगर अपोजिट आएगी दोनों केसेस में, जब आप ए एंड पे टच करोगे और बी पे टच करोगे, अपोजिट डिफ्लेक्शन आनी चाहिए. अगर अपोजिट आएगी तो कनेक्शन ठीक है, अदरवाइज कनेक्शन में गड़बड़ है आपके. ठीक है, और आपने रीडिंग लेने से पहले एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर लेना है सर्किट में, अप्रॉक्सीमेटली 1000 और 2000 ओम. ठीक है, उसके बाद आपने, क्योंकि अदरवाइज आपकी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है, आउट ऑफ रेंज चली जाती है. तो जब ये आपके कनेक्शंस हो गए सारा कुछ, उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है. देखो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें हमें टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन के साथ बैलेंसिंग लेंथ नोट करनी है. तो कैसे करोगे, जो आपका हॉट जंक्शन है उसका आपने जो हीटर है ऑफ़ कर देना है, इसका टेम्परेचर ऑयल का डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, आपको यहाँ पे जॉकी के साथ बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, तो जैसे आपका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 350 डिग्री है, तो उस केस में आपने देख लेना है कि किस पॉइंट के ऊपर ऑन दिस वायर, किस पॉइंट के ऊपर आपका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ज़ीरो आ रहा है. ठीक है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, आपकी बैलेंसिंग लेंथ जो है थोड़ी थोड़ी चेंज होती चली जाएगी, और आपने दोनों को नोट कर लेना है. देन उसके बाद आपको थर्मो ईएमएफ निकालनी है. थर्मो ईएमएफ का ये फार्मूला है, ई का फार्मूला ये गिवन है. ठीक है, और आपको दूसरी ऑब्जर्वेशन जो लेनी है, वन इज रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. जो आपकी ये वायर है इसके दोनों एंड आप मल्टीमीटर से लगाओ, रेजिस्टेंस पे सेट करो, वहाँ से उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा. फिर आपने जितना रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है उसकी वैल्यू आपने लिखनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स आर, वो यहाँ पे लिख लेनी है. बैटरी की कितनी ईएमएफ आप यूज़ कर रहे हो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है वैल्यू. ठीक है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट जितनी भी होगी, एंड देन यूजिंग दिस फार्मूला यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर. और फिर आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको आपने इस लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाना है, वो आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है वैल्यू. ठीक है, दैट इज़ थर्मो ईएमएफ. उसके बाद आपने टेम्परेचर और थर्मो ईएमएफ में ग्राफ बनाना है. आपका कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर ज़ीरो है, हॉट जंक्शन का जितना भी टेम्परेचर होगा
यहाँ पे लिखना है, ग्राफ आपका ऐसा आएगा और इस ग्राफ में जो मैक्सिमा आएगा दैट इज़ द न्यूट्रल टेम्परेचर, वो आपको वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड करनी है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द थर्मोकपल एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।